हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. थॉट ऑफ द क्लास, यू विल नेवर हैव दिस डे अगेन, सो मेक इट बेस्ट वन. इट मींस यह दिन आपको दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए आप इसको सबसे बेहतरीन बनाइए. आज की हमारी क्लास का मोटो है, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते. अर्थात हमें हमारी ज़िंदगी कि हसीन कहानी को किससे लिखना है, कड़ी मेहनत के साथ तैयार करना है, लिखना है ना. चलिए बढ़ते हैं हमारी क्लास की ओर. इंट्रोडक्शन, आज हम बात करने वाले हैं टेंस की, है ना. अब टेंस आप सबने पढ़े होंगे, कितने होते हैं, हमने पढ़ लिए हैं कितने, 3 टाइप से. एक्चुअल में टेंस हैं क्या, टेंस है क्या, एक्चुअल में टेंस टाइम है, है ना. सबसे पहला टाइम जो हमारा निकल चुका है वो होता है हमारा कौन सा, पास्ट. फिर आ जाता है कौन सा, प्रेजेंट जो अभी चल रहा है ना, और फ्यूचर आने वाला कल, है ना. ठीक है, इतना समझ में आया. अब देखो सारी चीज़ें जो है, पास्ट मतलब था, मतलब कि जो निकल चुका है, प्रेजेंट मतलब है, और फ्यूचर मतलब गा होगा हमारे पास में कोई भी चीज़ है ना, तो गा ये आप याद कर लो, है ना. इसके बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, है ना. अब देखिए हमने क्या किया है, हमारे पास में थे 3 टेंस, है ना. अब इनको हमने 4 कैटेगरी में बांट दिया है. सबसे पहला कौन सा आता है, इंडेफिनिट, है ना. फिर कौन सा आता है, कंटीन्यूअस. सेकंड आपका होता है कौन सा, कंटीन्यूअस. थर्ड आपका होता है कौन सा, परफेक्ट. फिर कौन सा होता है, फोर्थ नंबर पे परफेक्ट कंटीन्यूअस, है ना. हमने इनको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए, 3 टेंसेस को. अब 3 हैं, है ना, 3 ये हो गए, और इनको कैटेगरी कितनी, 4 कैटेगरी. तो टोटल टेंस यदि मैं आपसे पूछूं तो क्या बोलोगे आप, कि सर 12 होते हैं, है ना. होते 3 हैं, लेकिन मेरे अनुसार कितने होंगे आपके टेंस, 12 होंगे. अब देखिए इन 12 टेंसेस को याद करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को याद रखना पड़ता है, तब जाके हमसे सेंटेंस बनते हैं. अब देखिए इसमें क्या क्या याद रखना पड़ेगा. सबसे पहले नंबर आपको याद रखनी पड़ेगी इंडिकेशन. इंडिकेशन को क्या बोल देते हैं हम लोग, पहचान. पहचानना आना चाहिए कि कौन सा टेंस है ना. सबसे पहला पहचान, चलो भैया पहचान लिया. उसके बाद क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब का नॉलेज होना चाहिए, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी. सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, है ना. फिर उसके बाद वर्ब की फॉर्म, है ना, 3 फॉर्म होती है ना, जो उसमें वर्ब की आपको फॉर्म मालूम होना चाहिए, कौन सी वर्ब के साथ में, सॉरी कौन से सब्जेक्ट के साथ में और कौन से टेंस में कौन सी वर्ब लगेगी, ये नॉलेज भी आपको होना चाहिए. ठीक है, अब देखिए इनको याद कैसे करेंगे, याद रखना पड़ेगा भैया ये तो, है ना. तो इसके लिए हम आगे डिस्कस करते हैं कैसे याद रखेंगे. सबसे पहला है हमारा इंडिकेशन. इंडिकेशन मतलब मैंने बता दिया आपको क्या, पहचान, है ना. तो ये पहचान कैसे याद करेंगे देख लेते हैं. सबसे पहला क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट. प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल याद कर लो, ता है, ती है और ते हैं, है ना. हो सके तो नोट्स बनाते जाना, ठीक है. हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी इसकी, इंडिकेशन अकेली देखते हैं पहले, क्लियर. फिर क्या आता है, दूसरे नंबर आता है हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस. तो कंटीन्यूअस के लिए याद रख लो क्या, रहा, और प्रेजेंट है तो है, रहा है, रही है और रहे हैं, क्लियर. फिर नेक्स्ट क्या आता है हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट, है ना. प्रेजेंट परफेक्ट तो क्या हो जाएगा, चुका. परफेक्ट के लिए याद कर लो क्या, चुका. और प्रेजेंट के लिए क्या आ जाएगा आपका, प्रेजेंट के लिए आ जाएगा है, तो चुका है, चुकी है, है ना, और चुके हैं, क्लियर. इसकी बात क्या आता है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस. इसके लिए क्या लगा दोगे आप,
अब देखिए कंटिन्यूअस लगा है मतलब काम चल रहा है, परफेक्ट मतलब काम हो चुका है। इसका सेंस क्या निकलेगा? कोई भी काम पहले शुरू हो चुका हो, ठीक है, और अभी भी चल रहा हो, तो वो चला जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में। जैसे कि वह 5 बजे से पढ़ रहा है, 6 बजे से पढ़ रहा है, 3 दिन से काम कर रहा है, इस टाइप से क्या हो जाता है आपका, क्या आया है, रहा, प्रेजेंट के लिए है तो रहा है, रही है, रहे हैं, और प्लस क्या रहेगा आपका, टाइम मतलब समय भी दिया रहेगा, है ना। अब सेम टू सेम कहाँ पहुँच जाएंगे हम लोग, पास्ट की बात करेंगे तो सेम केस पास्ट में हो जाएगा, है ना। क्या चेंज हो जाएगा केवल बताओ, क्या चेंज होना चाहिए बता सकता है कोई भी स्टूडेंट? देखो क्या हो जाएगा, पास्ट कर देंगे अगर इसको हम, है ना, तो ये ता तो रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, था, थी, है ना, और थे। समझे बात के लिए, पास्ट के लिए क्या लग गया, था, इनडेफिनिट तो सिंपली था। ऐसे ही पास्ट कंटिन्यूअस के लिए क्या हो जाएगा, रहा था, है ना, रही थी, रहे थे। परफेक्ट के लिए भी सेम रहेगा, परफेक्ट के लिए क्या हो जाएगा, चुका था, है ना, पास्ट परफेक्ट के लिए चुकी थी और चुके थे। क्लियर? परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए सेम रहेगा, रहा था, रही थी, रहे थे, और प्लस टाइम दिया रहेगा, ठीक है। फिर सेम डिस्कस करते हैं किसको, फ्यूचर को। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होगा बताओ, गागी गे, है ना, गागी और गे। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, रहेगा, रहेगी और रहेंगे, है ना। फिर फ्यूचर किस पे आ गया, फ्यूचर परफेक्ट पे, है ना। फ्यूचर परफेक्ट की जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका बताओ, ये हो जाएगा आपका चुकेगा, चुकेगी, है ना, और चुकेंगे। क्लियर? और परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात जब करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो वही रहेगा, रहेगी प्लस टाइम। अब तो क्लियर हो गया होगा, है ना, हो जाएगी इंडिकेशन याद। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, और या फिर गूगल से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ट्रिक्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब। अब देखो हेल्पिंग वर्ब के लिए कैसे याद करेंगे, हेल्पिंग वर्ब जनरली हमें याद करनी पड़ेगी, है ना, इसकी कोई ट्रिक्स नहीं होती है वैसे याद करने के लिए, है ना, वो मैं बताऊंगा कैसे क्या याद करना है। देखिए सबसे पहले नंबर तो आता है हमारा इंडेफिनिट, है ना, तो इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट मैं ऐसे बताऊंगा आपको, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। सबसे पहले ये इंडेफिनिट हो गया हमारा भाई, ये कंटिन्यूअस, ये परफेक्ट, और ये लास्ट में परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर? ये सबसे पहला इंडेफिनिट है, ये वाला इंडेफिनिट, ये कंटिन्यूअस, ये परफेक्ट और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें तो आपको मालूम है क्या हो जाएगी, डज, है ना, डज और डू, इसमें डिड, इसमें बिल सेल, है ना, लिखते जाना साथ में, मैं बोल रहा हूँ, इसमें क्या हो जाएगी, एज एम आर, एज एम आर, इसमें क्या हो जाएगी, बॉज वर, ठीक है, इसमें बिल बी, सेल बी, ठीक है, इसमें हैज़ हैव, इसमें हैड, यहाँ पे बिल हैव, सेल हैव, ठीक है, यहाँ पे बिल हैव बी, एक मिनट, हैज़ बीन और हैव बीन, यहाँ पे हैड बीन और यहाँ पे बिल हैव बीन, सेल हैव बीन। क्लियर? पिक लोड कर लेना गूगल से, ये भी मिल जाएगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी किसके साथ में, है ना, तो वर्ब की फॉर्म मैं आपको बता दूं, आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म याद रखनी है कि भाई ये सब जगह क्या आनी, फर्स्ट फॉर्म, कुछ चीज़ों को छोड़कर, जैसे कंटिन्यूअस,
कंटीन्यूअस में कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म आना है भैया, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आनी है, क्लियर, खत्म बात, सभी में फर्स्ट आनी है, कंटीन्यूअस में आईएनजी लगेगा, मतलब कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी, पास्ट कंटीन्यूअस में भी, फ्यूचर कंटीन्यूअस में क्या लग जाएगा वर्ब में, आईएनजी लग जाएगा, क्लियर। और परफेक्ट में क्या हो जाएगा भैया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, चाहे वह प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर का, चाहे पास्ट का, है ना, सब में ये लगेगा। परफेक्ट कंटीन्यूअस में तो कोई टेंशन है ही नहीं, क्यों, क्योंकि वो तो कंटीन्यूअस है तो आईएनजी लगेगा, ठीक है। अब इंडेफिनिट अकेले का याद रखना है, तो इंडेफिनिट में क्या याद रखना है, जब हम किसकी बात करें, प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे तो इसमें कोई याद रखने वाली बात नहीं है, फर्स्ट फॉर्म ही आनी है, ठीक है, प्रेजेंट में और फ्यूचर में भी, ठीक है, दोनों में सेम कंडीशन, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में, इंडेफिनिट में। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म आती है, पास्ट इंडेफिनिट में आती है आपकी, अलग अलग केस हैं, फर्स्ट भी आती है और सेकंड भी आती है, पढ़ेंगे हम लोग, है ना, तो सेकंड पास्ट इंडेफिनिट में के लिए याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखो हेल्पिंग वर्ब कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी आनी है, तो मैंने जैसी टेंस टेबल बोली है ना, अगर वैसे ही आप बनाते हैं तो सिंपल सा है, किस किस के साथ में, सबसे पहला आता है हमारा ही सी इट नेम, ही सी इट नेम, ये क्या कहलाते हैं हमारे, सिंगुलर होते हैं ना, तो इनके साथ में पहली वाली जो भी पहले नंबर पे लिखी होगी, ठीक है, फिर आयु देवी, आयु की देवी, है ना, देवी देवता सबके होते हैं, आयु देवी, देवी देवता सबके होते हैं, तो ये क्या होगा, प्लूरल, सबके, सबकी जो चीज़ होगी वो प्लूरल होगी, देवी देवता सबके होते हैं, है ना, तो ये प्लूरल हो गया, और जब प्लूरल हो गया तो क्या हो जाएगा, इसके साथ में क्या आएगा, दूसरे वाले के साथ में, तो ये पहले वाले के साथ में आ गए थे, ये दूसरे वालों के साथ में आ जाएंगे, है ना, आयु देवी के साथ दूसरी वाली हेल्पिंग वर्ब आएगी, कहने का मतलब ये है। अब देखो भैया जिसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब होगी उसमें क्या करेंगे, अब जिसमें देखो एक ही हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में क्या है, डिड, और पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में आपकी हैड है, अब एक ही है तो कोई टेंशन भी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना, क्यों, क्योंकि देखो क्या है, एक ही है तो सबके साथ आएगी, है ना। अब देखो कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, है ना, अपवाद होते हैं हर जगह। अब देखो क्या है यहाँ पे, सबसे पहले नंबर आई के साथ में कंटीन्यूअस में एम लगेगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, है ना, पास्ट कंटीन्यूअस में क्या लग जाएगा, बॉज लग जाएगा, यह याद रखना पड़ेगा आपको। सेकंड क्या याद रखना है, फ्यूचर में आई और बी के साथ में सेल लगाया जाता है, एस एच ए डबल एल सेल, है ना, तो सेल बी भी लग जाएगा और सेल हैव भी लग जाएगा, सेल हैव बीन भी लग जाएगा, इन्हीं दोनों के साथ में, बाकी सबके साथ लगता बिल। लेकिन अगर स्पोकन बोलते हैं आप, है ना, वो सेल का यूज नहीं कर रहे हैं तब भी वो क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा, मतलब वो ठीक ही होगा, ठीक है, तो आप बिल अकेले का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा कुछ समझ में आया होगा, कैसे क्या याद करना है, है ना। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच को, है ना, उन्हीं की मदद से हम एबल हो पाएंगे कि सेंटेंस को समझ सकें कौन सी चीज़ क्या कहलाती है, है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच हम जो डिस्कस करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सी चीज़ क्या कहलाती है, कहाँ कौन सी चीज़ का यूज होता है ना, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज हम जब सीखते हैं तो उनका हमें थोड़ा सा बेसिक्स मालूम होना चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद हम डिस्कस करेंगे वर्ब को, है ना, वर्ब और वर्ब की फॉर्म को, फिर उसके बाद डायरेक्ट हम स्टार्ट करेंगे टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ओके। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।